उनसे पूछा गया, जब मुरली वाले सर ने पूछा गया, क्या नाम है आपका? जी मैं मासूक अहमद, चमरूपुर प्रधान प्रतापगढ़ से हूँ। ये आपका थाना कौन सा पड़ता है? थाना जेठवारा। कितने दिन से फोन कर रहे हैं आप? लगभग 5-6 दिन से। दोस्तों लगभग ये एक हफ्ते से फोन कर रहे हैं लगातार। 5-6 और धरती माता को प्रणाम करते हैं और इन जीवों को बचाने के लिए पहले प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आप प्रणाम कर रहे हो और उसके बाद आप सांपों को जूता कैसे दिखा रहे हो? ऐसे 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 जूता दिखा रहे हो। दोस्तों ये गलत है या नहीं है आप मुझे ये बताइए। आप ऐसे सांप को जूता दिखा रहे हो और धरती माँ को प्रणाम कर रहे हो, ये भी गलत है। ये भी आप वीडियो के अंदर कभी कभार देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आपने शास्त्रों में पढ़ा हुआ होगा शायद। एक कहावत है कि अजगर करे ने चाकरी और पंछी करे ने काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और एक बड़ी हैरत की बात यह है दोस्तों, जाकू राके साइयां मार सके ना कोई। बात ये भी रहती है दोस्तों कि एक साथ इतने रेड स्नेक यहाँ पर थे, अगर ये कोबरा अगर इनको बाइट किया होता तो ये मर भी सकते थे। तो इनकी प्रोफाइल पे जाइए। आप बताइए सर, एक बेजुबान के साथ भी आप गलत कर रहे हैं, अब मानव के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा दावित बनता है और आपका दावित बनता है, सच का साथ दें, हमेशा सच को दिखाएं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो वीडियो में लगता है कि लोगों की सहायता करते हुए मुरली वाले हौसला दिखते हैं। आप भी था मुरली वाले हौसला जी, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जो राह भटक गए हैं, चंद पैसों को कमाने के लिए उसको बिजनेस जो बना लिए हैं, मैं इसी रास्ते पर वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ उनको, ना कि मुझे उनसे कोई दुश्मनी। हमारे एक यूनिटी है हमारी, तो हम पहले अपने यूनिटी के पास जाते हैं, कभी भी कोई समस्याएं होती हैं तो क्या लगता है कि हमारे मुरली वाले हौसला से आपका सब खत्म हो जाएगा? नहीं सर, हम तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक ये बेजुबानों मानस को बेवकूफ बनाना ना छोड़ दे। बेजुबानों के साथ गलत लगा, कहां लगा कि बेवकूफ बनाए, एक आध दो एग्जांपल कहां लगा? सर अभी मैं बता दूं कि मथुरा में अभी जस्ट हाल में ही सर ने वहां पुलिस प्रशासन का, सर मैं बता रहा हूं ना सर, पुलिस प्रशासन से ही मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या घरों में सांप नहीं निकलता है? जब घरों पे सांप निकलता है तो कौन रेस्क्यू करने आता है? क्या मुरली वाले हौसला जी अब मथुरा में ही जाके रहेंगे? क्या वहां के रेस्क्यूअर जो पहले से रेस्क्यू करते थे उन्होंने बोला कि कुएं का रेस्क्यू हम नहीं करेंगे या इसमें ज़्यादा सांप हैं इसलिए हम रेस्क्यू नहीं करेंगे? अब पुलिस प्रशासन ने इन्हों कॉल करके नहीं बुलाया था, ये अपनी सफाई पेश करने के लिए वहां पुलिस प्रशासन को बुलाए थे कि नहीं मैं आया हूं, थोड़ा सा आप भी आ जाइए। नहीं तो कल एक वीडियो बनाया था हमारा भैया जी, जिस पर वो चैलेंज किए थे कि कुआं में जो मैं सांप छोड़ रहा हूं इसका कोई सबूत दे तो मैं उसे उन्हें 5 लाख। टीम है वो अभी यूट्यूब पर रोते फिर रहे हैं, और यहां नहीं रोते फिर रहे, जौनपुर से रोते रोते कलकत्ता पहुंच गए और वो भी बप्पीदा के पास। अब बप्पीदा कोई पुलिस स्टेशन है कि वो एसपी है कि वो डीवाईएसपी है, क्या करेंगे वो? अगर ये भाई अगर तुमको कोई धमकी मिली है, आप वीडियो बनाते हो और अगर आप किसी को टारगेट करके वीडियो बबनाए हो, तो अगर आपको वो 3,000 रुपये में बिक गया, अगर वो ये बोलता है कि मैं 3,000 रुपये दे करके मेरे घर में मैं सांप डलवा के फिर मुरली वाले हौसला से वीडियो बनवाया, तो मैं उसकी बात का क्या विश्वास करूं कि फिर वो 3,000 रुपये लेके आपसे भी झूठ बोल रहा हूँ? मैं आपकी भी बात का विश्वास करूँ?